तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद राशिद भाई, आप स्टेज पे आ जाएं और आपका उन्वान है डिजिटल मार्केटिंग। गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्लैपिंग कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मैं जैसे के भाई ने मेरा थोड़ा सा तारुफ करवा दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं इतने हाजरीन के सामने आज मौजूद हूँ। और मैं समझता हूँ मैंने भी सिंगल एक अकेले बंदे ने स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काफ़ी सारे लोग वाबस्ता हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को अपना नॉलेज अपने एरिया के अंदर भी दिया और कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी एक छोटी सी झलकी आप लोगों को दूँ ताकि आप लोग उस नॉलेज को आगे एक्सपेंड करें और अपने आप को भी उस स्टेज पे जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ कल को आप यहाँ पे आके रिप्रेजेंट करें। जैसा कि भाई ने मेरे तारुफ में बताया कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल मार्केटर क्या करता है, कैसे वो इस फील्ड में रहते हुए अर्निंग कर सकता है, मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। डिजिटल मार्केटर, डिजिटल से आप लोग वापस जानते होंगे कि डिजिटल जैसे कि आप हम लोग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन और टीवी वगैरह देख रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं। जब हम लोग इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए अपना पैगाम दूसरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जब हम लोग अपना प्रोडक्ट, किसी का प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या किसी की सर्विस को दुनिया के दूसरे लोगों तक पहुंचा के उनको फायदा पहुंचाते हैं तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। इन तमाम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जब दूसरों को फैसिलिटेट करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब इसको इस कैटेगरी के अंदर जो मेन छह चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, अगर हम लोग ये छह चीज़ें कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग होगी। नंबर वन, हम लोग किसी भी तरह का जब कंटेंट बनाते हैं, वीडियो, ऑडियो, तस्वीरों की सूरत में, तो वो कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग के इसका पार्ट है। जब कोई फिजिकल बिजनेस को हम लोग डिजिटल लुक देते हैं, उसकी वेबसाइट बनाते हैं, उसका वर्चुअल ऑफिस बनाते हैं जहाँ पे बिजनेस के बारे में हम लोग जान सकते हैं, वो इस डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। जब हम लोग सोशल मीडिया, जो कि आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जब उन बिजनेसेस को हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर लेके आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के जिम्मे में आता है। जब किसी भी बिजनेस को हम लोग फास्ट मूविंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के जिम्मे में आता है। एक थोड़ी टेक्निकल टर्म है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल आजकल कोई भी बंदा जो है वो ईमेल से नावाकिफ तो नहीं होगा। हम लोग जितने भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको स्मूथली चलाने के लिए, तमाम फीचर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ईमेल लगाना पड़ती है। जब हम लोग किसी भी बिजनेस को ईमेल के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश करते हैं वो ईमेल मार्केटिंग होता है। आप लोग गूगल पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं तो आप लोगों के सामने जो भी कुछ सर्च कर रहे हैं आपके सामने एक रिजल्ट आ रहा होता है। वो रिजल्ट किन टर्म्स की सूरत में आ रहा है, उस रिजल्ट को कैसे हम लोगों को पहले दिखाना है, ये एक SEO की टर्म है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में SEO करते हुए बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। जब ये छह चीजें हम लोग किसी भी बिजनेस के लिए कर रहे होते हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग होगी। मेरा ये फील्ड फेवरेट है क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करते हुए एंजॉय करता हूँ और साथ साथ में अर्निंग भी करता हूँ। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि आप ये इतनी छह सात चीजें तो बता रहे हैं, लेकिन क्या ये सब के लिए है? मैं ये समझता हूँ कि ये एवरेज नॉलेज, एवरेज एजुकेशन वाले बंदे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आधे काम को हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि इन तमाम जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इससे अर्निंग कैसे करें। हम लोग अटके हुए हैं। क्या कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जो फेसबुक यूज नहीं करता? कोई है अगर हाथ खड़ा करे, कोई कहता है कि मैं फेसबुक यूज नहीं करता? कोई भी नहीं होगा। तकरीबन हम लोग तमाम सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली इनको लर्न करेंगे कि इनका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कि तमाम सोशल मीडिया किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कॉन्टेंट क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें करके हम लोग इजीली एक माकूल आमदनी की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड से वाबस्ता हैं और इस फील्ड को मैं इसीलिए प्रमोट करना चाहूँगा कि ये आसान है बाकी तमाम दूसरे फील्ड की नस्बत। आप लोग मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करके जो पहले करते हैं, आप पैसे यूज कर रहे हैं, आप अपनी तस्वीरें भी अपलोड करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर यही काम आप लोग दूसरे बिजनेस के लिए करना स्टार्ट कर देंगे
तो डेफिनेटली आप लोगों को फायदा होगा और आप लोग करने की भी कर चुके हैं। अब जो मैं सबसे ज्यादा इंकरेज करने की कोशिश करूंगा कि ये फील्ड चूंकि मेरी फेवरेट है, मुझे इजी लगता है, मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि जो मिशन है डिजिटल पाकिस्तान का, अगर यहाँ पे पहले कोर्स नहीं होगा तो हम लोग ये वाला फ्री पे कोर्स यहाँ पे करवाएंगे, आप लोगों को इन डेप्थ में जाके बताएंगे कि ये कैसे होता है, कैसे हम लोग अपने डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए दूसरे बिजनेसेस की हेल्प करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, मेरे दूसरे जो भाई हैं वो मुख्य प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, मैं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म freelancer.com उसको प्रमोट करने के लिए तो नहीं आया, लेकिन चूंकि वो मेरा फेवरेट है मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, उसके एल्गोरिथम कैसे काम करता है, बड़ा ईजी है वहाँ पे क्लाइंट्स को ढूंढना, मतलब ये होता है काम लोगों को आ जाता है, फंस जाते हैं यहाँ पे आके क्लाइंट कहाँ से लेना है, बंदा कहाँ जिसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके बहुत सारे वेज हैं जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इंस्टाग्राम, गूगल मैप, वो freelancer.com, इवन उनके फेसबुक वगैरह से भी हमें क्लाइंट अच्छे से मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को काम करना आना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हम लोग इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम लोग फ्री में वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं, ताकि सब लोग इस डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आगे काम तो जानते हैं हम लोग, जानते हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि प्रॉपर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होगा और कैसे हम लोग इनसे फायदा उठा सकते हैं। स्मार्टफोन भी सबके पास है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर भी तकरीबन यहाँ पे मौजूद हाजिरी में से आधे लोगों के पास होंगे, लेकिन उनका प्रॉपर यूज कैसे करना है ये हम लोग अगर किसी को नहीं पता होगा तो डेफिनेटली बताएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यहाँ पे हमारी जो नई जनरेशन है ना फंसी हुई है, स्टार्ट कहाँ से लें, हम लोग कैसे काम कैसे किया जाए, बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे फील्ड को चूज किया जाए, ये मेरे मैंने कल हमारी मीटिंग थी वहाँ पे डिस्कस करना था, लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में नहीं आया। छोटा सा सिंपल सा फार्मूला मैंने बनाया हुआ है जो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और हर उस बंदे को जो मेरे पास आता है सवाल करने, ऑनलाइन काम कैसे किया जाए। वो फार्मूला यह है कि हर बंदे के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है, वो कुछ ना कुछ जानता होता है, वो इंटरनेट पे जाए और जाके सर्च करे टॉप फ्रीलांसिंग स्किल, उसके सामने एक लिस्ट आएगी, उन लिस्ट में से वो हर एक के बारे में यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करे, वीडियो देखना स्टार्ट करे। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन पे आ रही है वेब डिजाइन, आप लोग वेब डिजाइन की 4-5 वीडियो देखें, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की 4-5 वीडियो देखें, जब आप लोग ये काम कर रहे होंगे मल्टीपल आप स्किल्स को देख रहे होंगे तो कुछ ऐसी स्किल्स होंगी जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा, आप समझेंगे ये जो वेब डिजाइन है इसके बारे में जब मैं सुना तो मुझे 50% समझ आई, ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना तो इसके बारे में मुझे 70% समझ आई। जिसकी परसेंटेज आपके माइंड में सबसे ज्यादा हो उसको डीप डाइव करना स्टार्ट करते हैं उस स्किल के अंदर, इस तरह से आप लोगों को फील्ड चूज करने में आसानी रहेगी। ये फार्मूला मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके लिए उसने काम किया है, ये सबके लिए काम करेगा अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे। बाकी रह जाती है बात की कौन कामयाब होगा कौन नहीं, यहाँ पे आने वाले माशाल्लाह सभी लोग जो है वो इंटरेस्टेड है इस फील्ड के बारे में और वो लर्न करना चाहते हैं, लेकिन कौन कामयाब होगा, वो कामयाब होगा जो कभी भी गिव अप नहीं करेगा, जो कभी गिव अप नहीं करेगा वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को डाल के कामयाब नहीं होगा, जो गिव अप करेगा तो मजे देगा और जो काम कर रहा है मेहनत नहीं कर रहा वो चीज उसको नहीं मिलती, वो कामयाब नहीं होगी। एक आशा कभी मत भूलना, लेकिन एक चीज मैं चाहे थोड़ा इस पर लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, उसके पीछे अल्लाह की मदद तो शामिल हाल है ही, लेकिन उसके पीछे जो दूसरी वजह थी वो थी कभी गिव अप ना करना। जो लोग गिव अप नहीं करेंगे चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे और यहाँ से कामयाबी से लेके जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग मुझसे ग्रुप में सवाल करते हैं, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं सबको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा, डीपली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा और हमारे इस प्लेटफॉर्म के वसत से इंशाल्लाह आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का मुकम्मल नॉलेज, मुकम्मल कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।